इंडिया के जितने भी ओल्ड व्हीकल्स हैं उनके लिए न्यू पॉलिसी को लागू किया गया है। अगर आप किसी भी ओल्ड व्हीकल को ऑन करते हैं तो आपको ये खबर जाननी चाहिए। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने हाल ही में इंडिया के न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को अनाउंस किया है। जो कमर्शियल व्हीकल्स 15 ईयर से ज्यादा पुराने हैं, ये पॉलिसी खास तौर पर उनके लिए है। कमर्शियल व्हीकल के बाद प्राइवेट व्हीकल्स पर ये टाइम आपको 20 ईयर्स तक देखने को मिलेंगे। जो कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल्स 15 ईयर्स और 20 ईयर्स से ज्यादा पुराने हैं, उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। फिटनेस टेस्ट में पास न होने वाले मॉडल्स को डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसके साथ एंड ऑफ लाइफ के लेवल भी उस मॉडल पर चिपका दिए जाएंगे। एंड ऑफ लाइफ के लेवल लगने के बाद व्हीकल को स्क्रैप कराना जरूरी है। किसी भी स्क्रैपिंग सेंटर पर व्हीकल को स्क्रैप कराया जा सकता है। जो कस्टमर्स अपनी कार को स्क्रैप कराएंगे, उन्हें 4-6% का रिटर्न अपनी कार पर मिलेगा। 4-6% के ये रिटर्न कार के एक शोरूम प्राइस पर दिए जाएंगे। इसके साथ स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी कस्टमर को ऑफर किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के साथ जब भी वो कस्टमर न्यू कार को परचेज करने जाएगा तो उसे उस कार पर 5% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 5% का ये डिस्काउंट खुद कार कंपनीज ऑफर करेंगी। जो कस्टमर्स अपनी कारों को स्क्रैप करा रहे हैं, उन्हें रोड टैक्स पर बेनिफिट्स भी ऑफर किए गए हैं। पर्सनल व्हीकल पर आपको 25% तक के रोड टैक्स रिफंड देखने को मिलेंगे। इसके बाद कमर्शियल व्हीकल पे 15% तक के रोड टैक्स रिफंड को ऑफर किया जाएगा। जिन कारों को गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, उन कारों के लिए भी ये नियम 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। 2023 में फिटनेस सर्टिफिकेट सारे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जरूरी हो जाएंगे। जो कार्स 15 ईयर से ज्यादा ओल्ड हैं, उनके लिए आरसी रिन्यूअल की कीमत भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल कार के आरसी को रिन्यू करने में 600 रुपीज लगते हैं। जो कार 15 ईयर से ज्यादा ओल्ड हैं, उनके लिए इसे बढ़ाकर 5000 रुपीज तक किया जाएगा। कार के बाद बाइक के आरसी को भी रिन्यू कराने की कीमत बढ़ी है। पहले ये कीमत 500 रुपीज थी, जो ओल्ड बाइक्स के लिए बढ़ाकर 1000 रुपीज तक की जाएगी। इस न्यू पॉलिसी के साथ आगे चलकर ओल्ड कारों को ऑन करना काफी मुश्किल होगा। तो दोस्तों, न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही ऑटो अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।